हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप केक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? तो दोस्तों, आप सही जगह पे आए हो। दोस्तों, मैं हूँ समीर और मैं हूँ एक बिजनेस कंसल्टेंट जो आपके लिए लाता है रोज न्यू बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट केक शॉप के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप केक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो केक शॉप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ये FSSAI रजिस्ट्रेशन आपको दिलवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, जिस जगह पे आप अपना केक शॉप स्टार्ट कर रहे हो वो जगह का, अगर आपने रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी। दोस्तों, केक शॉप बिजनेस एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। आज की डेट में अगर मैं एज अ कंज्यूमर आपको बोलूं तो पहले ऐसा होता था कि लोग जो है वो खुद के बर्थडे पे एक ही केक लेते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे तो लोग तीन तीन चार चार केक ले रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रोहित, तो उसने जो है तकरीबन 5-6 केक लिए। हर अल्फ़ाबेट के नाम से एक केक पे लिखा है R, एक केक पे लिखा है HOIT, पूरे 5 केक। तो दोस्तों, एक बर्थडे पे 5 केक, केक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ में केक के अंदर इनोवेटिव केक आ रहे। एक ज़माना ऐसे था जब 300-400 रुपए में केक आ जाता था, आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आपको 5-10 हज़ार रुपये का भी केक मिल सकता है। अलग अलग इवेंट्स पे लोग अलग अलग केक लेते हैं, जैसे किसी का शादी का केक होता है, किसी का एंगेजमेंट का, किसी का फर्स्ट बर्थडे का, किसी की कंपनी की ओपनिंग का, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे एक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो भी केक मंगा के सेलिब्रेट किया जाता है। इसी से मुझे याद आया दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप फ्री में आपको कुछ आपका नहीं जाने वाला है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू बिज़नेस आइडिया मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहूँ। तो दोस्तों, जब मैं केक शॉप की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये बिज़नेस, अगर आप जानना चाहते हो प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन डेफिनेटली ये सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के बहुत सिंपल कोर्सेज आते हैं केटरिंग कॉलेज में जो अवेलेबल है, बेकरी से रिलेटेड और बेकिंग से रिलेटेड। तो ये कोर्सेज आप करके केक बनाने की टेक्निक, केक डेकोरेशन की टेक्निक सीख सकते हैं। आपको मैं एक और सीक्रेट बताऊंगा, वो है जो केक बनाने के जो आइटम्स हैं, जैसे उनके वेसल्स हैं, उनके डिज़ाइनिंग के लिए जो ट्यूब्स हैं, उसके कुछ और रॉ मटेरियल्स हैं, तो वो आपको एक शॉप से मिलेंगे जिसका नाम है आरिफ ला मोल्ड। ये मुंबई में है और यहाँ पर काफ़ी सारी केक बनाने की चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से केक बनाकर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे भी ऑर्डर्स लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और फिर उसी के अंदर आप पैसे कमाओ। घर बैठ के भी आप अपने केक के ऑर्डर्स ले सकते हो। आप अपने केक की, बनाए हुए केक्स की फ़ोटो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर डाल सकते हो और आपको आस्ते आस्ते फेमस होके पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे मोटिवेशन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ऑलरेडी केक के बिजनेस में हैं और आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या अपनी फर्म का बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में एडवर्टाइज आपकी आप कमेंट्स में आप अपने बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।